आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक लैंग्वेज का, दूसरा कंट्री का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, कोई भी चेंजेस मत करो। तो यहाँ पे आपके फोन में जो भी जीमेल आईडी लॉगिन होगा वो जीमेल आईडी यहाँ पे शो होने लग जाएगा, और जो मोबाइल नंबर अभी आपने डाला वो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये जीमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर आपके इस गूगल पे अकाउंट से लिंक होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू ओपन गूगल पे अकाउंट, यानी गूगल पे अकाउंट कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग आज के टाइम में एंड्रॉइड यूज तो करते हैं बट उनको नहीं पता कि गूगल पे अकाउंट कैसे बनाएं, और कुछ तो इसको शॉर्ट में जीपे अकाउंट भी बोलते हैं। क्या फर्क पड़ता है यार, गूगल पे अकाउंट बोलो या जीपे अकाउंट बोलो, बात तो एक ही है ना। खैर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके से जो है आप अपना गूगल पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपके फोन में गूगल पे ऐप है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो सिंपली से आप जो है प्ले स्टोर पे आ जाओ और यहां पे सर्च करो गूगल पे। उसके बाद जो है आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप इसको ओपन कर दो। तो यहां पे देख सकते हो कि ओपन हो चुका है और कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पे दिख रहा है जहां पे लिखा है वेलकम टू गूगल पे और नीचे लिखा है एंटर योर फोन नंबर। तो बेसिकली यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और ऊपर में देखो आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक लैंग्वेज का, दूसरा कंट्री का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहां पे आप बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, कोई भी चेंजेस मत करो। तो यहां पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो और नीचे में एक ऑप्शन आपको मिल रहा है नेक्स्ट का। जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट, तो यहां पे आपके फोन में जो भी जीमेल आईडी लॉगिन होगा वो जीमेल आईडी यहां पे शो होने लग जाएगा, और जो मोबाइल नंबर अभी आपने डाला वो भी मोबाइल नंबर यहां पे दिखने लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये जीमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर आपके इस गूगल पे अकाउंट से लिंक होने वाला है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, सिंपली से यहां पे क्लिक कर दो। जैसे यहां पे आप क्लिक करोगे उसके बाद जो है आपके फोन पे ओटीपी आएगा। तो बेसिकली यहां पे जो ओटीपी आएगा वो 6 डिजिट का होगा, तो आपको यहां पे ओटीपी फिल कर देना है। जैसे यहां पे आप ओटीपी फिल करोगे तो यहां पे जो है आपका ऑटो वेरीफाई होने लग जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटो वेरीफाई करेगा, और जैसे ये ऑटो वेरीफाई हो जाएगा तो यहां पे देख सकते हो कि सक्सेसफुली मेरा जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और यहां पे आपको गूगल पे का जो इंटरफेस भी दिख रहा है। ओके, तो यहां पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं समझा देता हूं कि अगर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है तो बेसिकली यहां पे क्लिक करो और यहां पे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आपको गूगल पे को जो है अपना कॉन्टैक्ट परमिशन देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट यहां पे आ जाएगा और जिसके साथ भी आप चाहो यहां पे जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और देख सकते हो यहां पे बहुत सारा ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, जैसे किसी के फोन नंबर के थ्रू आप किसी को पे कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर का, मोबाइल रिचार्ज का, उसके बाद यूपीआई आईडी का, उसके बाद चेक बैलेंस का, जिसके थ्रू जो है आप यहां पे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको अपना क्यूआर कोड चेक करना है या फिर अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाना है या फिर आपको अगर नेम चेंज करना है तो सिंपली से प्रोफाइल पिक्चर पे आ जाओ, एंड यहां पे ये जो प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है सिंपल से यहां पे क्लिक करो तो ये है आपका क्यूआर कोड। और अगर आपको बेसिक कोई चीज चेंज करना है तो सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखा आपने यहां पे कितनी आसानी से हमने गूगल पे अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो अगर आपको और भी बेसिक इसके बारे में जानना है कि कैसे जो है आपको गूगल पे अकाउंट यूज करना है, यानी हाउ टू यूज गूगल पे अकाउंट, तो आप जो है नीचे कमेंट कर देना। एक डेडिकेटेड सा, एक अच्छा सा इसके ऊपर जो है मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आ जाऊंगा सिर्फ आपके लिए, तो कमेंट करना भूलना मत। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दो। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और हां, यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।